भारत में चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। आजाद भारत में जब पहला आम चुनाव हुआ था तब चुनाव आयोग ने लगभग 10.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई हैं। अब आम चुनाव कराने में हजारों करोड़ का खर्च आता है। ये तो सिर्फ चुनाव आयोग का खर्च है, लेकिन अगर इसमें राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के खर्च को भी जोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। 2019 के चुनाव में जितना खर्चा हुआ था इस बार उससे दुगना खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में जानते हैं कि बीते चुनावों में पार्टियों ने कितना और कहां कहां खर्च किया, लेकिन उससे पहले आप आज तक AI के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार पानी की तरह पैसा बहाते हैं। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की तो एक लिमिट तय कर रखी है, लेकिन पार्टियों पर कोई पाबंदी नहीं है। यही वजह है कि अब भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होते जा रहे हैं। बीते कुछ आम चुनावों में जितना खर्च हुआ है वो कई देशों की GDP के बराबर है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि इस बार आम चुनाव में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का अब तक का सबसे महंगा चुनाव होगा। इतना ही नहीं, हर 5 साल में चुनावी खर्च दुगना होता जा रहा है। अनुमान है कि 2019 के चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2014 में करीब 30,000 करोड़ खर्च होने की बात कही जाती है। चुनाव कराने का पूरा खर्च सरकारें उठाती हैं। अगर लोकसभा चुनाव है तो सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकारें करती हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हैं तो फिर खर्च केंद्र और राज्य में बंट जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले आम चुनाव में 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2004 के चुनाव में पहली बार खर्च 1,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा था। उस चुनाव में 1,016 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2009 में 1,115 करोड़ और 2014 में 3,870 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 2019 के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, हालांकि माना जाता है कि 2019 में चुनाव आयोग ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए होंगे। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने 6,405 करोड़ रुपए का फंड जुटाया था और इसमें 2,591 करोड़ रुपए खर्च किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 7 राष्ट्रीय पार्टियों ने बीते चुनाव में 5,544 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया था। इसमें से अकेले BJP को 4,057 करोड़ रुपए मिले थे। कांग्रेस को 1,167 करोड़ रुपए का फंड मिला था। 2019 में BJP ने 1,142 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि कांग्रेस ने 626 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए था। 2019 में BJP ने 303 सीटें जीती थीं। इस हिसाब से देखा जाए तो BJP को एक सीट औसतन 4.25 करोड़ रुपए में पड़ी थी, कांग्रेस 52 सीटें ही जीत सकी थी। लिहाजा एक सीट जीतने पर उसका औसतन 12 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ था। चुनाव आयोग ये सारा पैसा चुनावी प्रक्रिया पर खर्च करता है। चुनाव के दौरान EVM खरीदने, सुरक्षा बलों की तैनाती करने और चुनावी सामग्री खरीदने जैसी चीजों पर पैसा खर्च होता है। पिछले साल कानून मंत्रालय ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त फंड मांगा था। चुनाव आयोग के अलावा राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार अच्छा खासा खर्च करती हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए 95 लाख रुपए की सीमा तय कर रखी है, यानी एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज्यादा खर्च 3 चीजों पर होता है। पहला पब्लिसिटी, दूसरा उम्मीदवारों पर और तीसरा ट्रैवलिंग पर। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों के स्टार प्रचारक दिन भर में ही कई रैलियां करते हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। 2019 में अकेले BJP ने ही ट्रैवलिंग पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने लगभग 1500 करोड़ रुपए पब्लिसिटी पर खर्च किए थे। इनमें से 7 राष्ट्रीय पार्टियों ने 1,223 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया था। पब्लिसिटी पर सबसे ज्यादा खर्च BJP और कांग्रेस ने किया था। BJP ने 650 करोड़ तो कांग्रेस ने 476 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। अनुमान है कि इस साल चुनाव में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इसमें चुनाव आयोग का खर्च सिर्फ 20% ही होगा, बाकी सारा खर्चा राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार करेंगे।